और तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति रो मेंबर हूं। ये जयपुर वाला कैडी भी लिस्ट भेजी ना तो हर गांव की एक एक मैं जानवा ध्यान रखा कोई गलत फैमिली मत पाल। और मैं फूटो काट दू ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका। मात मांगते हैं झूठ काल नहीं देते। मैंने खूंटा गाड़ दिया तो उसे पीएम मोदी भी हिला नहीं सकते। भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले ये हैं बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर का ये वीडियो वायरल हो गया है। माथुर परबत्सर में जनाक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, जिसका टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका टिकट पीएम मोदी भी नहीं काट सकते। सुनिए माथुर का पूरा बयान। अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति रो मेंबर हूँ। ये जयपुर वाला कैडी भी लिस्ट भेजी ना तो हर गांव की एक एक मैं जानवा ध्यान रखा कोई गलत फहमी मत पाल। और मैं फोटो काट दू ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका। मात मांगते हैं झूठ काल नहीं देते। कोई मैंने संकोच की इन बातों को तो ये तेरा मेरा मेरा लाल लाल मुझे नमस्ते करता है। मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए। इस गलत फहमी से दूर हो जाओ, कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। पार्टी जो भी तय करे हम पूरी ताकत से पार्टी के साथ लगेंगे। सोशल मीडिया पर माथुर का ये बयान अब वायरल है, जहां यूजर्स कई तरह की राय दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि बीजेपी में एक ऐसा नेता है जो मोदी को खुलकर चुनौती दे सकता है। आपको बता दें कि माथुर पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। अभी एक दिन पहले ही माथुर ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि राजस्थान बीजेपी में कई नेताओं की निगाहें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इसलिए अभी सीएम को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता है। NBTO ऑनलाइन की रिपोर्ट।